मैं पूछूंगा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है बोलिए? राजीव शर्मा, और ये जगह कौन सा है? 14 माइल सोरुताई। अच्छा, और कितना दिन पहले से आपने कैटल रिच पाउडर खिलाना शुरू किया था गाय को? आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले। 1.5-2 महीना पहले। और आपने कितने गाय को खिलाया? अभी सब गाय को खिला रहा हूँ, सबको, मतलब बच्चा लोग छोड़ के और बाकी दूध देने वाला सबको खिला रहा हूँ। तो आप एकदम बच्चा देने वाला है वो लोग को भी खिला रहा हूँ। तो आपको रिजल्ट क्या क्या मिला? रिजल्ट अच्छा मिला है, रिजल्ट अच्छा है, दूध भी बढ़ गया है, गाय पूरा दुबला था, ये वाला जो है इसका पूरा हड्डी दिखाई दे रहा था ना, हड्डी दिखाई दे रहा था, अभी सब अच्छा है। इसे इसे छोड़ के और एक आपने नोटिस किया है क्या, इस यहाँ का जो स्मेल है, स्मेल में कुछ इफेक्ट पड़ा है पहले से कमा है कि? हाँ, स्मेल भी थोड़ा इफेक्ट है, ये जो गोबर ओबर का क्या क्या स्मेल भी आता था। नहीं नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, और मक्खी जो है वो भी कमा होगा फिर तो? मक्खी थोड़ा नहीं कमा है, मक्खी कमा है, मतलब पहले से गर्मी ज्यादा होगा तो ऐसे भी मक्खी तो निकलता ही है, लेकिन अच्छा 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 नहीं। अच्छा, लेकिन गाय का स्वास्थ्य तो थोड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब वैसे अगर ऑल राउंड देखा जाए कैटल रिच में रिजल्ट है अच्छा, रिजल्ट है। अच्छा अच्छा, तो चलिए सर, मैं अमित पॉल ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू।